सातों महीने से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर असमंजस बरकरार है। पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता अपने अपने स्तर पर कयास लगा रहे हैं। राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी दावा कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 दिनों में बीजेपी को नया कप्तान मिल जाएगा। ये मेरी जानकारी में 4-5 दिन में ये निर्णय हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। प्रदेश बीजेपी को नया कप्तान अगले 4-5 दिनों में मिल जाएगा। जी हाँ, ये कहना है राज्यसभा सांसद मदन लाल सैनी का। लेकिन जब मदन लाल सैनी से प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में उनके नाम के भी शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कई नाम सामने आए हैं लेकिन उन्होंने खुद अभी तक किसी से मुलाकात नहीं की है। लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि अगले 4-5 दिनों के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, जो चीज अभी अदृश्य है उसको दृश्य करना बहुत कठिन होता है। कब तक संभावना है सर? हाँ, ये मेरी जानकारी में 4-5 दिन में ये निर्णय हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। वहीं गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की माने तो बीजेपी टीम वर्क करती है, लिहाजा उनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ कोई असमंजस नहीं है, हमारे यहाँ काम करती है टीम। आपने देखा होगा कि हम वर्षों से टीम के साथ काम करने वाले हैं, व्यक्ति के साथ काम नहीं करते हैं। उधर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर चल रही खींचतान पर कांग्रेस की चुटकी पर भी यूनुस खान ने पलटवार किया। यूनुस खान ने उल्टा पायलट से सवाल पूछ लिया है कि पहले वो बताएं कि प्रदेश में उनका नेता आखिर कौन है। सचिन पायलट साहब को अपने घर परिवार की चिंता करनी चाहिए कि हमारा अध्यक्ष कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसकी चिंता नहीं करें, वो बता दें कि उनका नेता कौन है। वो खुद हैं, सीपी जोशी जी हैं या गहलोत साहब, ये वो अपना नेता खुद बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पिछले 2 महीने से खाली है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कई बार पार्टी के दिग्गजों ने कई नामों पर मंथन भी किया लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी तक वो चेहरा नहीं मिल पाया जिसके दम पर 2018 का चुनाव फतेह किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।